अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिस्क एंड रिटर्न में बीटा को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बीटा क्या होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसका क्वेश्चन करेंगे। बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा पोर्टफोलियो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बीटा को बताते हैं, लेकिन बीटा पोर्टफोलियो जो है वो फाइंड आउट करना किस तरह से, उसका पोर्टफोलियो का बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम वो इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर बीटा को मैं डिफाइन करूं तो बीटा हमारे पास एक इसका मीनिंग है और एक हमारे पास डेफिनेशन है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट इसका मीनिंग समझाऊंगा कि बीटा के मीनिंग क्या होते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बीटा को बीटा कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, बीटा भी कहा जाता है और बीटा कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। आज मैं आपको बीटा भी बताऊंगा, बीटा कोएफिशिएंट भी बताऊंगा। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अगर हम फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की टर्म्स के अंदर देखें कि बीटा क्या होता है, तो हमें यह पता चलेगा कि इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ स्टॉक आर पोर्टफोलियो। स्टॉक का या पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क को फाइंड आउट करने के लिए, रिस्क की दो टाइप्स, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक, ठीक है, एक डाइवर्सिफाइएबल और एक नॉन डाइवर्सिफाइएबल। तो सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है, नॉन डाइवर्सिफाइएबल, जिसको कम नहीं किया जा सकता, जिसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, जो सब पे ही अप्लाई होता है, इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है, जो भी इन्फ्लेशन आएगी या कोई भी ऐसी पॉलिसीज आएंगी, फ्लड आ गया सपोज करें, वो सब पे अप्लाई होगा, मार्केट पे हर जगह अप्लाई हो रहा है, किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को वो टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क। अगर सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को मिला दिया जाए तो हमारे पास टोटल रिस्क आ जाता है। ये इसको कंप्लीट लेक्चर को मैं आपको बता चुका हुआ हूँ पार्ट फर्स्ट के अंदर, जो हमने व्हाट टाइप्स ऑफ रिस्क और रिस्क को डिस्कस किया था, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम यही बता रहा हूं मैं आपको कि जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, ये ऐसा रिस्क होता है जिसको कम नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीटा यूज करते हैं। बीटा हमें ये बताता है, बेसिकली ये स्पेसिफिक रिस्क होता है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया, वो हमें टोटल रिस्क को बता रहे होते हैं। ये हमें किसको बता रहा होता है, बीटा स्पेसिफिकली सिस्टमैटिक रिस्क को बता रहा होता है कि इसको हमने कम किस तरह से, इसको हमने फाइंड किस तरह से करना है कि इस स्टॉक के अंदर कितना रिस्क है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बीटा यूज करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जितना मार्केट का रिस्क होता है वो हमें यहां से पता चल जाता है, इसको मार्केट रिस्क भी कह लेते हैं सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर। अच्छा, ये तो होगी हमारी डेफिनेशन के ये किस तरह से रिस्क और रिटर्न का किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग हमारे क्या है कि मार्केट रिस्क होता है जो कि हमें बीटा के थ्रू पता चलता है कि उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन नॉट रिड्यूस मार्केट रिस्क, मार्केट रिड्यूस को हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, बट वी कैन मेजर द रिस्क विद द हेल्प ऑफ बीटा। बीटा की मदद से हम उस रिस्क को फाइंड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस सिक्योरिटी के अंदर, इस एसेट के अंदर कितना रिस्क अवेलेबल है। क्लियर हो गया पॉइंट, ओके। उसके बाद है स्टॉक मूवमेंट। अच्छा, बीटा जो है ये हमें बताता है कि स्टॉक मूवमेंट कितना, अप्रोक्सीमेटली हमें मूवमेंट ऑफ द स्टॉक बता देता है कि ये स्टॉक अप जाएगा, डाउन जाएगा, कितना मूव करेगा, इसके अंदर रिस्क कितना है, इसके अंदर रिटर्न कितना है, ये हम बीटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा बेसिकली कहते हैं हम रिस्क को, ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क को हम कहते हैं कि उसको फाइंड करने के लिए बीटा यूज करते हैं। तो स्टॉक मूवमेंट का हमें पता चलता है बीटा के थ्रू, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा टेल्स अस वोलेटिलिटी। बीटा हमें वॉलेटिलिटी का बताता है, वॉलेटिलिटी कहते हैं कि उसके अंदर कितनी वॉलेसिटी है, कितना उसके अंदर रिस्क अवेलेबल है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका बीटा बहुत ज्यादा है, इस सिक्योरिटी के अंदर स्पेसिफिकली रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर कम बीटा होगा तो इसका मतलब है उस सिक्योरिटी के अंदर कम रिस्क है, और अगर रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है, और अगर रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी आपको ज्यादा होता है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगी। फिर है मेजर द रिस्क ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हम मेजर करते हैं कि क्या चीज मेजर करते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। कीप इन माइंड दैट के बीटा सिंगल सिक्योरिटी या एसेट का रिस्क हमें नहीं बताता, बीटा हमें सिंगल सिक्योरिटी या एसेट का रिस्क नहीं बताता, ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बताता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा एसेट्स हों, एक से ज्यादा सिक्योरिटीज हों, आप उसको इकट्ठी कर लें, मतलब आपने डिफरेंट कंपनीज के शेयर को खरीद लिया, डिफरेंट कंपनी के एसेट को खरीद लिया अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, उसमें आपने कुछ रिस्क फ्री रख ली और कुछ बहुत ज्यादा हाई रिस्क की सिक्योरिटीज खरीद ली, उससे क्या हुआ कि आपका जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया पोर्टफोलियो, कि अगर एक में नुकसान भी होता है तो आपका जो रिटर्न आपका फिक्स है वहां से आपका जो है वो कम हो सके और आपका इक्वली बैलेंस, इक्विलिब्रियम में आप रह सके। तो मेजर द रिस्क ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बीटा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का रिस्क बताता है कि ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है, किसी सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क ये नहीं बता रहा होता। यहां पर यह बात क्लियर होगी, मीनिंग भी आपको समझ आ गया, डेफिनेशन भी हमने बात कर ली। वैल्यू ऑफ बीटा,
अगर मैं ये डिफाइन करना चाहूँ कि मैं बीटा को जानना चाहता हूँ कि अगर इतना बीटा आएगा 1.7 है तो उसके क्या मीनिंग्स के हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि जो बीटा है और आपका स्टॉक है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करें। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बीटा जो है मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज आती है तो मार्केट अप जाती है, आपका स्टॉक नीचे की तरफ चला जाता है, नेगेटिव मूवमेंट है, इनवर्स है, ठीक है, एक दूसरे के उलट चल रहे हैं। मार्केट अप होती है तो आपका स्टॉक नीचे गिर जाता है, स्टॉक अप होता है तो मार्केट डाउन हो जाती है। मतलब क्या है कि ये इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं आपका एसेट भी और मार्केट भी, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ एसेट्स अनकोरिलेटेड, के मार्केट के अंदर जो भी होता रहे, कोई न्यूज आती रहे, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती रहे, एसेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये उसके साथ मूव ही नहीं कर रहा, इसकी मूवमेंट उसके साथ नहीं है, अनकोरिलेटेड है, उसके साथ रिलेट ही नहीं करता, ये बात समझ आ गई आपको। फिर है हमारे पास बीटा लेस देन 1, एक से कम हो लेकिन ग्रेटर देन किससे हो, जीरो से, तो जीरो से ज्यादा हो ग्रेटर देन का, इसका मतलब जीरो और वन के बीच में कोई भी बीटा आएगा तो उसका मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन बट लेस वोलेटाइल। मतलब अगर मार्केट अप जाती है तो आपका स्टॉक भी, आपका एसेट सिक्योरिटीज भी अप जाएंगी, मूव करेंगी अपवर्ड्स की तरफ, बुलिश ट्रेंड होगा उसमें, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन जाती है तो स्टॉक भी आपका डाउन जाता है, लेकिन क्या है, लेस वोलेटाइल है। मतलब अगर मार्केट आपकी जो है वो सपोज करें ये जो हमारा एसेट है स्टॉक है ये मूव किया है 0.7%, मार्केट मूव की है 1%, 1% मार्केट मूव की, स्टॉक आपका मूव किया 0.7%, इसका मतलब ये कि जा तो सेम ट्रेंड पे रहे हैं, मार्केट भी ऊपर जा रही है ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है कि ये जो है लेस वोलेटाइल है, जितनी मार्केट ने मूव किया उतना इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं कि लेस वोलेटाइल है लेकिन सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। उसके बाद है बी इज इक्वल टू जीरो, बीटा इज इक्वल टू वन, बीटा इज इक्वल टू वन का मतलब यह है कि सेम मूवमेंट है इन दोनों का, जैसे ही मार्केट मूव करती है उतना ही स्टॉक मूव कर देता है, जैसे ही मार्केट डाउन होती है उतना ही स्टॉक मूव कर जाता है। मतलब ये कि ये एक दूसरे के इक्वल है, और जो वन बीटा होता है ये स्मूथ बीटा होता है, ये टोटल जो बीटा अगर कंसिडर भी किया जाए या गुड बीटा कंसिडर किया जाए तो वो इसी को कहते हैं जिसके अंदर जो वन होता है, बीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो जितनी मार्केट मूव करती है उतना ही आपका स्टॉक भी मूव करता है। फिर हमारे पास है बीटा ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन का मतलब आपको खुद ही पता है कि मैंने बताया कि एक जो है वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है, अगर उससे ज्यादा मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि उस सिक्योरिटीज के अंदर रिस्क ज्यादा है, सेम मूवमेंट बट मोर वोलेटाइल। देखिए यहाँ पे लेस वोलेटाइल था, यहाँ पे मोर वोलेटाइल है, कि अगर आपका बीटा जो है वो एक से ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 1% मूव की है तो बीटा आपका 1.2% मूव किया है, 20% ग्रेटर देन द मार्केट वो मूव कर रहे हैं, समझ आ रही है बात। अगर मार्केट आपकी 1% मूव कर रही है तो 1.2% मतलब 20% मोर देन द मार्केट, ये इसके अंदर वोलेटिलिटी आई है। मार्केट 1% ऊपर गई, बीटा आपका 1.2% ऊपर, जो आपका एसेट है स्टॉक है वो 1.2% ऊपर चला गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये ज्यादा वोलेटाइल है और इसके अंदर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है लेकिन आपको रिस्क भी ज्यादा है, अगर लॉस हुआ तो आपके ज्यादा पैसे लॉस होंगे, एसेट आपकी सिक्योरिटी जो है वो लॉस हो सकती है, रिटर्न तो आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा। तो ये इसके मीनिंग्स हैं वैल्यू ऑफ बीटा के, होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि ये बीटा की वैल्यू जो है ये किस तरह से मूव करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बीटा के फॉर्मूले की, तो बीटा का फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा है जो कि है बीपी, बीपी से डोनेट करते हैं पोर्टफोलियो बीटा, जिसमें है हमारे पास W1 मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय B2 प्लस W3 मल्टीप्लाई बाय B3 और समेशन W1 मल्टीप्लाई बाय B1। मीन्स टू से दैट कि यहां पे अगर फोर्थ W4 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय B4, फिफ्थ भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, W किस चीज को डोनेट कर रहा है, ये जो W है इसका मतलब यह है कि वेटेज प्रोपोर्शन, जो एसेट्स है पोर्टफोलियो किसको कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं जिसमें डिफरेंट स्टॉक्स को डिफरेंट सिक्योरिटीज को आप इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका बीटा चेक करते हैं ताकि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, इसी तरह से होता है ना। तो सेम लाइक दैट कि जो आपके पास W है, W किसको डोनेट कर रहा है, प्रोपोर्शन को डोनेट कर रहा है या उसके वेटेज को डोनेट कर रहा है उस एसेट्स को उस सिक्योरिटी के, बी फॉर बीटा, ये दूसरे एसेट का, ये तीसरे का, जितने भी एसेट्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो, 5 हो 10 हो, आपको इसी तरह से सेम डायरेक्शन के अंदर आपको ये नोट करना है और आप इसका निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोपोर्शन आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 5 एसेट हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर जिसमें कुछ हाई रिस्क हैं और कुछ लो रिस्क हैं, तो आपका जो 1 एसेट है इसका जो अब प्रोपोर्शन है वो 0.10 है, फिर उसके बाद 2 है इसका 0.20, 0.10,
ठीक है, फिर इसी तरह से आपका इसका 0.10 है, तो ये आपके पास जो है 0.50, इसका प्रोपोर्शन 50% है, इसका 10, 10, 20 और 10, ये प्रोपोर्शन है बेसिकली आपका, ठीक है, और ये बीटा है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसके साथ हमने अब क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट किया है, जिसमें है क्वेश्चन में एसेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो एक्स, जिसका प्रोपोर्शन इतना है, ये एसेट्स हैं और ये प्रोपोर्शन है उनका, और ये उसका बीटा है। यहाँ तक एक क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दो पोर्टफोलियो पूछे जा सकते हैं, तीन को कंपेयर किया जा सकता है, तो आप उसको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने उसको इजीली उसको कर सकते हैं। तो एक ये पोर्टफोलियो एक्स है हमारे पास, और ये पोर्टफोलियो वाई है, ये उसका प्रोपोर्शन है, ये उसका बीटा है। हमने इनमें से बताना है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए पहले हम इसका बीटा फाइंड आउट करेंगे इस पोर्टफोलियो का, फिर बताएंगे कि कौन सा हमारे पास जो पोर्टफोलियो है वो बेटर है, या जिसका रिस्क कम है, या जिसका रिटर्न ज्यादा है, जो भी चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई होगी। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इसके बाद मैं आपको जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास पोर्टफोलियो एक्स और पोर्टफोलियो वाई है, हम इस फॉर्मूले की वजह से पोर्टफोलियो एक्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोर्टफोलियो वाई को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एक्स, हम पोर्टफोलियो एक्स का बीटा फाइंड आउट करने लगे हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसका मतलब है वेटेज, वेटेज हमारे पास कितना है, प्रोपोर्शन को शो करता है 0.10, बीटा कितना है 1.65, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0.10 मल्टीप्लाई बाय 1.65 हमारे पास आ गया प्लस, ये प्लस फॉर्मूले का, ठीक है। उसके बाद दूसरे एसेट का हमने प्रोपोर्शन और बीटा लिखना है, ये हमारे पास है सेकंड एसेट, सेकंड एसेट का हमारे पास जो प्रोपोर्शन कितना है 0.30 और बीटा कितना है 1.10, तो 0.30 मल्टीप्लाई बाय 1.0। फिर हमारे पास तीसरा एसेट भी अवेलेबल है, तो ये तीसरा एसेट का हम लिखेंगे 0.20 और 1.30, 0.20 और 1.30 प्लस प्लस। फिर हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ में हमारे पास है 0.20 और 1.10, 0.20 और 1.10। फिर हमारे पास फिफ्थ एसेट है, ये पड़ा है फिफ्थ एसेट, इस फिफ्थ एसेट का हम प्रोपोर्शन लिखेंगे 0.20 और बीटा है 1.25, ये है 0.20 और बीटा है 1.25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर देंगे, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 0.165, फिर इसको आया 0.30, ये फिर तीसरे एसेट का आया 0.260, फिर फोर्थ का 0.2 और फिर इसके बाद 0.25 आ गया, ये हमारे पास आ गया बीटा के। अब इनको हम आपस में प्लस कर देंगे, प्लस करने के हमारे पास ये आंसर आएगा 1.195, ये हमारे पास क्या आया है, ये बीटा है, हम इसको राउंड अबाउट कर दिया तो हमारे पास बीटा कितना आ गया 1.20। तो ये हमने पोर्टफोलियो ऑफ एक्स का बीटा फाइंड आउट कर लिया, हमने उसका रिस्क फाइंड आउट कर लिया कि इसमें कितना रिस्क अवेलेबल है, कितना बीटा है इसका। अब हम ट्राई करेंगे कि हम बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वाई फाइंड आउट करें और फिर इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करें। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वाई की अगर हम बात करें तो सेम उसी तरह से ये प्रोपोर्शन है और ये उसका बीटा है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले एसेट वन का प्रोपोर्शन लिखा, ये बीटा लिखा, फिर प्लस, फिर एसेट टू का प्रोपोर्शन और ये बीटा, फिर एसेट थ्री का प्रोपोर्शन और बीटा, फिर एसेट फोर का प्रोपोर्शन और ये बीटा है, फिर प्लस प्रोपोर्शन और बीटा। तो ये उसका प्रोपोर्शन था, ये बीटा हमने उसको एज इट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया, मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, तो ये आंसर आया, पहले का ये आया, दूसरे का ये, तीसरे का ये, फिर फोर्थ और ये, फिर फिफ्थ, इनको हम सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास आएगा 0.91। 0.91 क्या आया है हमारे पास, ये आया है बीटा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वाई, पोर्टफोलियो वाई का बीटा है। और मैंने आपको वैल्यूज बताई थी अभी जो हमने बीटा को फाइंड आउट करने की, कि अगर बीटा 1 से कम आए तो क्या होता है, अगर बीटा 1 से ज्यादा आए तो क्या होता है। तो अभी हम अगर इसको एनालाइज करें तो ये 1 से कम आ रहा है, 0 से ग्रेटर देन है लेकिन 1 से बिलो है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है ये स्मूथ जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और जो आपका एसेट है वो भी उसी की तरफ मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन वॉलेटिलिटी कम है। ठीक है, जो एसेट है आपका उतना मूव नहीं करता जितनी मार्केट मूव कर रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये 0.9 है, इसमें रिस्क कम है, इसमें इसका रिटर्न भी कम होगा। हम यहां पे आए तो हमारे पास जो बीटा ऑफ एक्स है उसका है 1.20। इस 1.20 का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, बीटा एक से ज्यादा जब भी आता है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जितनी मूव करती है एसेट उससे ज्यादा मूव करता है, इन सिक्योरिटीज के अंदर रिस्क ज्यादा है, इनका रिटर्न भी ज्यादा, लेकिन अगर लॉस होता है तो लॉस भी ज्यादा ही होगा,
ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट से 20% जितनी मार्केट मूव करती है उससे 20% ज्यादा जो है ये पोर्टफोलियो मूव करता है, ये एसेट्स मूव करते हैं। तो ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करना था। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और यही चीज हमने बेसिकली इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। सिंगल एसेट सिक्योरिटी का ये बीटा मैयर नहीं करता, ये बेसिकली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बीटा जो है ये मैयर किया जाता है, किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बीटा क्रिटिसिज्म। बीटा पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बीटा को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है कि यार एग्जैक्ट फिगर्स नहीं देता, तो वो किन बेसिस पे करता है उसको भी जरा से थोड़ा सा देख लेते हैं। कैन नॉट गिव एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, बीटा पे क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि बीटा जो है ये एक फ्यूचर की एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता, क्लियर रिजल्ट्स नहीं देता, जो हमें चीज चाहिए वो नहीं बताता, इसमें एम्बिग्यूटी है, ये प्योर पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता। डज नॉट टेल अबाउट रिटर्न इन इंटरवल टू बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग बीटा। ये जो इसकी एक और खामी ये कह लें या क्रिटिसाइज ये कह लें कि जो बीटा है ये इंटरवल्स का नहीं बताता कि रिटर्न कितने इंटरवल के बाद मिला है, उसकी ये बहुत बड़ी खामी है कि हमने जो बीटा मेजर करें और उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो कितने टाइम पीरियड के बाद मिल रहा है, ठीक है, वो नहीं बताता ये। फिर डज नॉट टेल अबाउट द टाइम पीरियड टू बी मेजर्ड, ये भी नहीं बताया जाता इसके अंदर कहां आपको टाइम नजर नहीं आ रहा, ये भी नहीं बताया जाता कि कितने टाइम के लिए मेजर किया जा रहा है, कितने टाइम टेन्योर को मेजर किया जा रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए ये चीज मेजर की जा रही है, ये भी ये बीटा के अंदर नहीं बताया जाता। तो ये बेसिकली बीटा पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि बीटा में ये खामी पाई जाती है, बीटा जो है वो इस चीज को ओवरकम नहीं कर रहा और बीटा में ये प्रॉब्लम्स पाई जा रही है, आप इसको प्रॉब्लम्स कह लें या क्रिटिसिज्म कह लें। तो ये तो था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर बीटा। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि बीटा कोएफिशिएंट का फॉर्मूला दूसरा होता है, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है ऑन स्टॉक, वो हमने फाइंड आउट करना है कैपम में, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कैपम बताने वाला हूं, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न को बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। उसमें आपको जब रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न आप फाइंड आउट कर लोगे तो बीटा कोएफिशिएंट आपके लिए फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी आपको रिस्क फ्री और मार्केट रिटर्न चाहिए होता है, एक रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न अभी तक आपने फाइंड आउट नहीं किया, इसलिए बीटा कोएफिशिएंट को जब मैं कैपम करवाऊंगा तो रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करेंगे, साथ ही मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बीटा को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन आपकी बुक में अवेलेबल है, गिटमैन की बुक में, जेम्स वैन हॉर्न, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर शो किया करें, और ताकि हमें पता चले कि आपको इंटरेस्ट है इन लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।